देखिए, आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि संबल कार्ड एक जन का है परिवार में, तो क्या सभी पर मान्य नहीं होगा? तो आपको बहुत जरूरी जानकारी बता देना चाहते हैं। ये जो संबल कार्ड है, जैसे कि पहले आप इसका लाभ देख लीजिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाभ है, हम आपको दिखाते हैं कि योजना अंतर्गत अंत्येष्टि सहायता मिलती है 5,000 रुपये। जैसे मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई गुजर जाता है तो उसको अंत्येष्टि के लिए 5,000 तो मिलते हैं, पर वो किसको मिलते हैं? जिसके नाम का संबल कार्ड होगा केवल उसी को मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पति का संबल कार्ड है और पत्नी का नहीं, तो पत्नी के नाम से पैसे नहीं मिलेंगे। किसके नाम से मिलेंगे? केवल पति के नाम से ही मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का संबल कार्ड होना जरूरी है। दूसरी बात, यहाँ पर देखेंगे सामान्य मृत्यु सहायता, मतलब आम तौर पर भी मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपये मिलते हैं, पर किसको मिलेगी? फॉर एग्जाम्पल, जैसे पत्नी की मृत्यु हो गई, तो पति को तभी मिलेंगे जबकि पत्नी का जो संबल कार्ड बना हुआ होगा पहले से, तभी मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लाभ लेना है, पूरे परिवार को लाभ लेना है एक दूसरे को, तो सभी के संबल कार्ड बने होना जरूरी है। सभी के मतलब बच्चों के तो बनेंगे नहीं, जो 18 साल से ऊपर हैं और जो इस पात्रता रखते हैं उन्हीं के बनेंगे केवल। तो अब जैसे देखिए, आप किसी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, पति पत्नी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो दोनों के संबल कार्ड बन जाएंगे। बच्चे छोटे हैं तो उनके नहीं बनेंगे, 18 साल के हो गए हैं और वो भी असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं तो उनके भी संबल कार्ड बन जाते हैं। तो अगर जैसे देखिए, दुर्घटना में कोई हानि हो जाती है, जैसे दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गई, तो जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसी का बना हुआ संबल कार्ड चाहिए, तभी ये सहायता मिलती है। ये ऐसा जैसे अपने यहाँ पर ये होता है कोई, तो ऐसे ही मांगते हैं, जैसे अपने गांव के रोजगार सहायक होते हैं, ये उन्हीं का मांगते हैं। जैसे अगर घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उन पर बोलते हैं कि ये गुजरेगा तो उनका पैसा मिलेगा, तो बोलते हैं उनका संबल कार्ड बना था क्या, तो यही मांगते हैं। तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर आप इसके लिए पात्र हैं तो आपको फटाफट ये जो संबल कार्ड है वो बनवा लेना है। इस तरह का संबल कार्ड रहता है, ये देखिए इस तरह का संबल कार्ड रहता है। ऑनलाइन पे आपको रजिस्ट्रेशन करवा के सचिव को कागज़ दे देने हैं, आसानी से आपका संबल कार्ड बन जाएगा, आपको बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नहीं भटकना है। तो इस तरह का संबल कार्ड आपके लिए बन के तैयार हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस किस का संबल कार्ड बना होना जरूरी है, कितना जरूरी है।